हेलो वेलकम बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन में चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स में क्या होता है पहले अच्छे से थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पॉलीनोमियल होता क्या है। पॉलीनोमियल इस तरह का एक एक्सप्रेशंस होता है जिसमें हमारी डिग्रीज भी होती हैं, ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस होता है, कांस्टेंट टर्म्स होती है, एक ऐसी टर्म्स जिसके साथ कोई भी अलजेब्रिक नहीं होता हमारा, वेरिएबल्स होते हैं अलग अलग, ये चेंज होते रहते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं यानी नंबर्स होते हैं, कोएफिशिएंट्स ये नंबर्स होते हैं भी चेंज हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी चेंज होते रहते हैं। तो मोनोमियल टाइप्स में आते हैं थोड़ा सा हम पहले। मोनोमियल क्या होते हैं, वो एक ही वेरिएबल इसमें होता है एक टर्म होती है। बिनोमियल में दो तरह की टर्म्स हो सकती हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ट्रिनोमियल में तीन तरह की टर्म्स होती हैं, तीन वेरिएबल्स होते हैं, ये पूरा एक एक्सप्रेशन बन के तैयार होता है। लीनियर पॉलीनोमियल में किस तरह के टर्म्स एक्सप्रेशन होते हैं। लीनियर में देखिए आप, एक ही वेरिएबल है, एक टर्म है हमारी, कांस्टेंट टर्म है। क्वाड्रेटिक में हमारी यहाँ पर एक है पावर, यहाँ पर दो, क्वाड्रेटिक में स्क्वायर आ जाएगा और क्यूब में पावर थ्री हो जाएगी क्यूब में, इसके आगे सो ऑन हो जाएंगे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप देख सकते हैं ax² + bx + c = 0। x² यहाँ पर हमारा a है, सिर्फ x b की जगह पर है और c कॉन्स्टेंट सर्व। तो ज़ीरोस कैसे निकालेंगे, ज़ीरोस का जो फॉर्मूला है वो अल्फ़ा और बीटा से जुड़ा है। सम ऑफ ज़ीरो निकालने के लिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे = -ab, माइनस का बी जो है ये वाला बी आएगा और ए की जगह हम जो भी हमारे क्वेश्चन में ए की वैल्यू दी होगी वो हम रखेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो करेंगे α × β = c/a। समझ में आया आपको, इसको अच्छे से नोट करिए, पढ़िए दो तीन बार, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। 2.1 की जो एक्सरसाइज है उसमें सारा काम ग्राफ का है, बहुत ही ईजी है, वर्क है वो, उसको आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है वो। आइए हम 2.2 शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फाइंड द ज़ीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज एंड कोएफिशिएंट। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें दे रखा है, इसके हमें ज़ीरो फाइंड करने हैं, यानी हम दोनों फॉर्मूले लगाएंगे, सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। वन छुपा हुआ है, एट है इधर, एट वन ज़ा एट हो जाएगा। एट के फैक्टर क्या होंगे, एट के फैक्टर 4+4 भी हो सकता है, 2 4 ज़ा 8 हो सकता है, 4 2 ज़ा 8 हो सकता है। तो हम 2 4 ज़ा 8 करेंगे ताकि यहाँ पर हमारा ये जो 2 है वो प्लस माइनस करने से हमारा 2 यहाँ पर आ जाए। फैक्टराइज आपने लास्ट ईयर भी किया होगा। x² - 4x + 2x - 8 = 0। 4 2 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। कॉमन ले लेते हैं, x² 1x बाहर आ गया, 1x अंदर आ गया, 4 के साथ x है, 4 आ गया खाली, प्लस इसमें क्या कॉमन है, 2 ले लेते हैं, कॉमन 2 बाहर ले लेंगे, x अंदर आ गया, 2 4 ज़ा x हो गया। तो x - 4 x + 4, ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे सेम आने चाहिए जब भी हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। अगर ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब हम कुछ गलती कर रहे हैं, फिर हमें फिर से करना पड़ता है। ज़ीरोज निकालेंगे, x + 2 = 0, x = -2, प्लस का 2 था यहाँ कर माइनस हो गया, ये हमारा हो गया अल्फा। x - 4 = 0, तो x - 4 है, इधर जाके +4 हो जाएगा, ये हमारा बन गया बीटा। बहुत ही सिंपल है, ये आपने पहले भी किया हुआ है। सम ऑफ ज़ीरोज निकालेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को रख देंगे। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। अल्फा हमारा -2, बीटा हमारा +4 = -b की जगह क्या आएगा हमारा, -2b की जगह, और ए की जगह हमारा आएगा x है तो 1 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा, ये 2 माइनस हो गए, माइनस से माइनस कट गया, 1 की वैल्यू नहीं होती, तो दोनों हमारे = 2 में सेम आ गए। सम ऑफ ज़ीरो हमारे सॉल्व हो गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो करेंगे, α × β = c/a, -2 × 4, 2 4 ज़ा 8 हो गया, बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस का मार्क, और सी हमारा है 8 और ए हमारा 1 है, तो 8 = 8 सॉल्व हो गया हमारा, दोनों हमारे इक्वल्स आ गए, देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर टू है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। इसमें भी हम यहाँ से यहाँ फैक्टराइज कर लेंगे, 4 1 4, 2 2 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 को प्लस करेंगे, 2 को 2 को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो फैक्टर आते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो उसका प्लस माइनस कुछ भी करने पर हमारा बीच वाला आंसर सेम आए। कॉमन ले लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x ये पूरा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे बाहर, 1 2x प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2x माइनस 1 2x माइनस 1। आप देख रहे हैं दोनों यहाँ भी सेम आ गए, तो हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू भी सेम आएगी। 2x माइनस 1 0, 2x निकाल लिया 1 आ गया, x बाहर निकाल लिया 1/2 हो गया। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम आ गए, दोनों को रख देंगे सम ऑफ 0 में, प्लस करेंगे हाफ ऑफ, प्लस करने पे कितना आएगा 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 4 1 4 हो गया, 1 आ गया दोनों में। प्रोडक्ट ऑफ 0 में रखेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 1 1 1, 2 2 4 आ गया, और ये 1 हमारा सी अपॉन ए आया है, सी हमारा 1 ये रहा, और ए है हमारा 4, तो 1/4 हो गया। ये वाला भी हमारा पॉइंट सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 हमारा 6x² माइनस का 3 माइनस का 7 इजिकल टू नहीं दे रखा इसमें, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो ये इधर से हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा ए बी सी पूरा एक साथ बने। 6x² - 7x - 3 = 0, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 = 18 हो गया। 18 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 6 3 = 18, 3 6 = 18, 9 2 = 18, 2 9 = 18, तो 6 और 3 का तो कोई कंपैरिजन करके हम 7 नहीं ला पाएंगे, तो 9 में से 2 को अगर माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये माइनस का 9 और प्लस का 2 होना चाहिए, जब भी प्लस माइनस माइनस होगा। 6x² - 9x + 2x - 3 = 0, 0 ज़रूर रखना आपको इजिकल टू। कॉमन इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों एक 3 के टेबल में आ जाएंगे, 3 निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर है 3x, 3 2 = 6, 3 3 = 9, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, 1 रख लेंगे, 1 2 = 2, 1 3 = 3, एक जैसे आगे देखिए 2x - 3, 3x - प्लस, 0s निकालेंगे, 2x - 3 = 0, x निकालेंगे 3/2 हो गया, अल्फा हमारा 3x + 1 = 2, एक्स बाहर निकाल लेंगे, 3 मल्टीप्लाई में था जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, -1/3। सम ऑफ 0s में रखेंगे अल्फा प्लस बीटा 3/2, 1/3 = 2, माइनस का भी अपॉन ए, तो ए हमारा 6 है, बी हमारा 7 है, माइनस से माइनस कर गया, 7/6 आ गया, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 = 9, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 9 में से 2 है, 7/6, 7/6, बहुत ही सिंपल था। प्रोडक्ट ऑफ 0 करेंगे, 3/2 × 1/3 = 2, यहाँ पर सी आ गया हमारा, सी हमारा माइनस का 3 है और ए आ गया हमारा, इसको ये ब्रैकेट में है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट डबल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसका मतलब, 3 1 = 3 माइनस के साथ, और 2 3 = 6 हो गया, -3/6 - 3/6, ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4, 4u/2 + 8u, कॉमन ले लेंगे, ये कुछ इसमें 3 एक्सप्रेशन नहीं है, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, और ये 1 वेरिएबल की तरह नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली हम इसका कॉमन ले लेंगे 4u u + 2, क्योंकि 4 2 = 8 हो जाएगा और एक u हमारा आ गया, और 4u ऐसे आ गया, 4u = 0 हो गया, u बाहर निकाला, 4 अपॉन में 0 अपॉन में 4 हो गया, अपॉन में होने वाली टर्म की डिजिट की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 0 हो जाएगा हमारा अल्फा, बीटा निकालेंगे u/2 u + 2 = 0 आ गया हमारा, u बाहर निकालेंगे, प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। इस तरह की टर्म्स बहुत ही ज़्यादा रेयर होती हैं, इस तरह की टर्म्स ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आती नहीं है, मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए, अगर आ जाए तो हमें उसे किस तरह से करना है, उसमें हमें फैक्टराइजेशन भी नहीं करना पड़ता क्योंकि ये 2 हमें पहले ही दी हुई होती है। सम ऑफ 0 में रखेंगे,
अल्फ़ा की वैल्यू 0 प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का बी और ए, तो यहाँ पर बी है हमारा 8 और ए है हमारा 4। प्लस माइनस माइनस 0 से कुछ भी करेंगे कुछ नहीं आएगा, तो माइनस का 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 आ गया प्रोडक्ट ऑफ 0 में, फिर अपॉन 0 आ गया हमारा बीटा में माइनस का 2 हो गया, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और यहाँ पर हमारा सी, सी हमें कुछ नहीं दे रखा तो 0 आएगा और ए की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, फिर से वही 0 सेम 0 आ गए हमारे, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5 है हमारा टी स्क्वायर माइनस 15। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा ये आपको। टी स्क्वायर माइनस 15 इजिकल टू 0 कर दिया हमने, टी स्क्वायर इजिकल टू 15, माइनस का तो इधर जाके प्लस का हो गया, इसमें हम रूट ले लेते हैं कि टी को हम रूट से काटेंगे, टी स्क्वायर हमारा रूट की बराबर ही होगा, प्लस 15 करेंगे माइनस 15 करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा, आप करके भी देख लीजिएगा। टी स्क्वायर आ गया हमारा, रूट का 15 ले लिया हमने स्क्वायर में, सेम बनाने के लिए इसको स्क्वायर भी लिया हमने, टी देखिए दो टी स्क्वायर है तो डबल टी हो जाएगा, प्लस का करेंगे 15 तो अल्फा हो जाएगा, माइनस का करेंगे 15 तो बीटा हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें हमने रूट क्यों लगाया है, हमने रूट इसीलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर हमारी सिर्फ एक संख्या है, कोई भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं दे रखा है, और ये पावर्स हमने इसलिए लगाई है क्योंकि हमें इसको इसके इक्वल बनाना है। सम ऑफ ज़ीरो करेंगे, अल्फा और बीटा दोनों प्लस और माइनस के हैं हमारे, एक प्लस का एक माइनस का 15 है, रूट 15 के साथ है, ये इससे कट जाएगा, माइनस का ये हमारा माइनस का बी है, बी अपॉन ए है, तो दोनों हमारे ज़ीरो आ गए क्योंकि बी भी हमें कुछ नहीं दे रखा, बस हमें ए दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15 मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से रूट कट जाएगा, माइनस का 15 प्लस माइनस माइनस 15 आ जाएगा हमारा इजिकल टू, सी हमारा 15 है और ए हमारा 1 है, 1 की वैल्यू हटा दी हमने, माइनस का 15 आ गया हमारा। अगला पॉइंट है हमारा 6, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3 को 4 से फैक्टराइज करेंगे, 3 4 ज़ा 12, हमारा 1 आना चाहिए दोनों में, तो 6 2 ज़ा करेंगे 12 तो 1 नहीं आ पाएगा, 4 3 ज़ा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 4 में से 3 जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, कॉमन ले लेंगे, 2x है, एक x बाहर एक अंदर, 3x माइनस 4 प्लस कॉमन कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे, 3x ऐसे ही 4 ऐसे ही दोनों सेम आ गए, एक्स प्लस 1 3x माइनस 4, एक्स प्लस 1 प्लस का 1 यहाँ जाके माइनस का हो गया, अल्फा निकल गया, एक्स बाहर निकाल लेंगे, माइनस का 4 जाके प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, बीटा आ गया, अल्फा बीटा दोनों आ गए हमारे। सम ऑफ 0 करेंगे, अल्फा लिखेंगे हम सबसे पहले, अल्फा प्लस बीटा हमने लिख लिया, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 1 4 ज़ा 4 प्लस माइनस का निशान वही और 3 1 ज़ा 3 माइनस का बी और ए आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि माइनस का बी जो है हमारा वो माइनस में ही है, देख सकते हैं आप ये रहा, और इसकी वैल्यू 1 है क्योंकि वहाँ कुछ नहीं लिखा है, माइनस से माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा करा हमने और सी अपॉन ए आ गया हमारा, 4 1 ज़ा 4 आ गया, 3 का 3 आ गया और ये 4 अपॉन 3 ऐसे कैसे आ गया, ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। थैंक यू, बाय बाय।